still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे. आज मैं आपके साथ जिंदगी के बहुत ही प्यारे लेसन शेयर करूंगी जिससे आपकी बहुत मदद होगी. एंड उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आज व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा लेट होगी क्योंकि मैं बहुत बिजी थी मेरे स्टोर में. आज हमारा बहुत अच्छा एंड बिजी दिन था. आज मुझे दो बार जाना पड़ा शिपिंग करने के लिए. एंड थैंक यू सो मच जो भी दोस्त मुझसे खरीदते हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल. और उनको मैं स्पेशल कूपन कोड भी देती हूँ स्पेशल, जब अगर फ्यूचर में जो कलेक्शन आएगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा ज़रूर से. एंड या अगर आप मेरी वेबसाइट पर अभी तक नहीं गए हैं तो ज़रूर से जाएँ, विंडो शॉप करते करते कुछ खरीद भी लेना क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं मेरी दुकान में. ओके, वापस आते हैं आज की इस दिन में. समय हुआ है अराउंड 6. आज मैं आपको सिखाऊंगी करेले बनाना. करेले क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना तो आप लोग रेसिपी पूछते रहते हैं. रेसिपी मैं आपको क्विक एंड आसान सी दूंगी. आज मैं करेले कट के बनाने वाली हूँ. कट के करेले की रेसिपी देख के आएँ, उसके बाद हम दोनों बैठ के खाएँगे, आप और मैं, अगर आपको करेले अच्छे लगते हैं. अगर नहीं अच्छे लगते तो स्किप कर सकते हैं. सो करेले को मैंने काट के नमक लगा के रख दिया था कुछ घंटे के लिए. एंड करेले इस बार ना मैंने ऐसे काटे हैं, इसमें से मैंने बीज भी नहीं निकाले क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है. पर अगर आपके करेले के अंदर के बीज बहुत हार्ड होंगे तो उसको निकाल दें. पानी स्क्वीज करेंगे करेले के अंदर, देखिए कितना पानी है, इसको निकाल देंगे. ये सारे करेले को निकाल के एकदम सूखा कर लेंगे हम. एंड इसमें आलू एंड अनियन भी ऐड करने वाली हूँ मैं. आलू को छील लेते हैं एंड करेले के साइज का ही काट लेंगे हम. उसके बाद हम रखेंगे पैन स्टोव पे. एंड इसमें मैं ऐड करूँगी सरसों का ऑयल क्योंकि मुझे सरसों के ऑयल में करेले अच्छे लगते हैं. सो सारा सामान मैंने गैस स्टोव के नज़दीक रख लिया है. आलू, प्याज, करेले एंड टमाटर एंड ग्रीन चिली. एंड उसके बाद हम इसमें, जब ये हीट हो जाता है ना, इसका कड़वापन थोड़ा सा निकल जाता है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे करेले. एंड आप देखेंगे ना धुआँ छट रहा है, इसको मैंने ना स्लो कर दिया था. उसके बाद धीरे धीरे करके हम करेले ऐड कर लेंगे. अब हम करेले को ना बहुत अच्छी तरह शैलो फ्राई करेंगे. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत स्लो कुक करें, मतलब स्लो फ्राई करें एंड इसको हिलाते रहें. इतना ना हो कि एक पास से के करेले जल जाए और दूसरे पास से अजीब रह जाए. आपको अच्छे गोल्डन ब्राउन किस्म के करने हैं, ज़्यादा नहीं करने क्योंकि फिर हम इसे कुक भी करेंगे मसाले में. सो पेशेंसली आराम से इसको होने दें एंड हिलाते रहो क्योंकि बहुत सारे लोगों को करेले से नफरत इसीलिए होती है क्योंकि अधे पास से कच्चा होता है, अधे पास से पक्का होता है या जला हुआ होता है. सो अब मैं ना इसको साइड पे करके इसके साथ ही आलू ऐड करने वाली हूँ और इस पर ढक्कन रख के मैं साइड पे कर दूँगी एंड तड़का लगाना शुरू कर देंगे. ढक्कन मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि एक तो आलू गल जाएंगे और जो करेले ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे, तो बस बहुत अकड़े से अजीब से करेले अच्छे नहीं लगते, थोड़े सॉफ्टनेस चाहिए आपको. अब सरसों का ऑयल थोड़ा सा ऐड किया है, बेसिक तड़का लगाएंगे, अनियन ऐड करेंगे. जब अनियन थोड़ा कुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सूखी सब्जी है, इसमें क्रंच अच्छा लगेगा. मैं अनियन नहीं खाती हूँ एंड इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे. अब ऐड करेंगे सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली एंड हल्दी. एंड जब ये थोड़ा तेल छोड़ देगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर एंड मिर्ची. टमाटर मुझे लग रहा है मैंने दो ऐड किए हैं क्योंकि ये करेले में ना खटास बहुत अच्छी लगती है. अगर टमाटर की खटास से नफ ना हो तो आप आमचूर भी ऐड कर सकते हैं एंड में. जब ये मसाला अच्छी तरह कुक हो जाता है, दूसरी तरफ मेरे करेले भी काइंडा हो चुके हैं अच्छे सॉफ्ट, मतलब अभी उसमें कमी है जो हम मसाले में कुक करेंगे. सो मैंने गैस को, स्टोव को बंद नहीं किया था, सो इसका कुकिंग प्रोसेस जारी है. अभी ये करेले को इसमें मिक्स करके मसाले में थोड़ी देर कुक करूँगी मैं. देन मैं आलू को भी इसमें ऐड कर दूँगी. देन हम अराउंड 10 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि करेले में मसाला अच्छी तरह रच जाए एंड करेले सॉफ्ट हो जाए. Now I'm finished, but you know I ain't done.
Don't tell me it's so hard. Don't tell me all your secrets, but don't just be showing. अब आप यहाँ पे कुछ बूंद पानी के ऐड करेंगे ना तो करेले बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे. करेले बनाने के बाद काफ़ी समय के लिए मैं बिजी हो गई थी, नहीं आई, और अब मैं भूख लग रही है. हम हमारे लिए एक फुल्का बनाएंगे. समय हुआ है 7:30, काफ़ी लेट हो गया है ना. एक फुल्का बना के खाते हैं जल्दी से एंड देन हमें ठंड गाइस. आपके साथ मैंने ना ये कितनी बार बात की है कि मुझे न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है. मैं उसकी स्टडी भी कर रही हूँ ऑनलाइन. एंड आज मैं ना आपको नंबर 8 के बारे में बताऊँगी. अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने की 8 तारीख को आता है या फिर 26 को आता है या 17 को आता है तो आप 8 नंबर के अंडर आते हैं. 8 नंबर होता है इन्फिनिटी, जैसा मैंने गले में पहन के रखा है. एंड 8 नंबर के साइन के गुरु हैं शनिदेव. शनिदेव का नाम सुन के सारे लोग डर जाते हैं कि शनि आएंगे तो कुछ ना कुछ गलत करेंगे, पर एक्चुअली अच्छा ऐसा नहीं है. बट ये है कि जो शनि है वो चीज़ों को ना माफ़ इतनी जल्दी नहीं करते. अगर आप बुरे इंसान हैं या लोगों के साथ बुरा बिहेव करते हैं, स्पेशली अगर आपके नीचे वाले लोग हैं जैसे आपके घर में काम करने वाले, या अगर आप एम्प्लॉयर हैं और आपके एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, आपकी ज़िंदगी में जो लड़कियाँ हैं उससे अच्छा बिहेव नहीं करते, जैसे अगर आप गाय हैं और अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन और माँ के साथ अच्छा बिहेव नहीं ना करते, फिर शनि गुस्सा हो जाएंगे. फिर आपको वो बुरा नहीं पर आपको जल्दी रिजल्ट दे देंगे. कि जैसे कई गुरु हैं जो थोड़ा कहते हैं कि चल कोई नहीं, इस बार अच्छा नहीं किया, अगली बार कर लेगा, पर शनि क्विक रिजल्ट देते हैं. आपने देखा होगा कि अगर आप 8 नंबर हैं तो अगर आपके दोस्त चोर हैं तो कोई पकड़ा नहीं जाता, पर आज आपने सोचा कि मैं भी इनके ग्रुप में शामिल होकर चोरी करने चला जाता हूँ, पर जिस दिन आप पहली बार जाएंगे आप पकड़े जाएंगे. 8 नंबर की ये प्रॉब्लम है. सो जैसे होता ना कि यार आज तो मैं पहली बार आया, आज ही फड़ हो गया, वो 8 नंबर वाले होते हैं, वो बच के नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा पकड़े जाते हैं. अगर आप चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, आप पकड़े जाएंगे. अगली चीज़, अगर आप किसी भी तरह के केस में फंस जाएंगे तो आपका छूटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. छूट जाएंगे आप, बट आपका जो केस है बहुत लंबा चलेगा. जैसे शनि का ये यूनिवर्स में चक्कर बहुत लंबा होता है ना, वैसे ही आपका केस भी बहुत लंबा चलेगा और बहुत देर के बाद रिजल्ट मिलेगा. सो अगर आप नंबर 8 हैं और आप बच सकते हैं केस से तो बचें, ना जाएं उसमें. और नंबर 8 वालों की ये है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी किसी मंजिल पे पहुंचने से पहले. काफ़ी मेहनत करेंगे तब वहाँ पे पहुंचेंगे. शनि आपकी नाक की लकीरें कटाएगा तब आपको वहाँ पे लेके जाएगा, पर जब आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो आपका जो सक्सेस होगा नंबर 8 इन्फिनिटी होगा. आप कहीं नहीं जाने वाले बहुत लंबा समय तक. आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में भी ऐसे कई लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल के बाद वहाँ पे पहुँचे, पर वहाँ पे वो बहुत लंबे समय तक टिके रह रहे हैं. क्योंकि कई लोगों की पीक ऐसे होती है तो ऐसे नीचे जाते हैं, जितना वो जितनी जितनी उतने उन्नी छत्ती थल्ले. पर शनि आपको ऊपर चढ़ाने में बहुत समय लगाता है. जब आप ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो काफ़ी लंबा वहाँ पे रहेंगे. और अगली चीज़ है कि आप बुरे इंसान ना हो. बुरा इंसान शनि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मतलब दिल से जो बुरा चाहते हैं लोगों का. सो अच्छे इंसान बने, मेहनत करें और क्विट करने की कोशिश मत करें. हो सकता है कि आपको चीज़ें मिलने में थोड़ा समय लगे, पर हार मत माने. क्योंकि जब आप ज़िद पे आ जाते हैं ना, मेहनत करते हैं तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी. एंड 8 नंबर वाले लोग ना अच्छे सच्चे होते हैं. अब वैसे बुरे भी हो सकते हैं, क्योंकि जब बुरे होंगे ना तो पूरे सिरे दे बुरे होंगे, लाइक पूरे क्रिमिनल टेररिस्ट काइंड के. और वैसे अच्छे न्याय पसंद होते हैं, झूठ कम बोलते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ईमानदार भी होते हैं. सो 8 नंबर वाले लोग डरना मत, बहुत अच्छा नंबर है. बट ये है कि आपको चीज़ें थोड़ा समय के बाद मिलेंगी, बस मेहनत करते रहना, हारना मत. रेमेडीज़ बताऊँगी आपको मैं कुछ, क्योंकि अब मैं गुरु बन चुकी हूँ. ओके, सीरियस मत लेना मुझे, मैं गुरु नहीं हूँ, बट या थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगी. जो शनिवार में आप मंदिर में जाके चीज़ें चढ़ाते हैं, शनि को इतना भी मज़ेदार नहीं लगता है वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी चीज़ें से हेल्प हो. सो जैसे आप दाल चढ़ाते हैं, इससे अच्छा है कि शनिवार को कुक करके काली दाल किसी को खिला दे जिसके पेट में पुख हो, जिन्हों फूड ना मिल रहा हो, उसको सरसों के तेल में फ्राई करके पकौड़े खिला दें. ऐसे उनको अच्छा लगता है. अगर आप चने दे सकते हैं, काले चने, काली दाल, काले कपड़े किसी को दें जिससे वो पहने, उसका भला हो, वो अच्छा है.
बजाय कि आप मंदिर में मूर्तियों में रोड़ते रहें पर किसी का पेट भर जाए, ऐसा कुछ करें. एंड और क्या है कि लेडीज को, आपकी जिंदगी में जो लेडीज हैं उनको दुख तकलीफ मत दें, बदतमीजी मत करें उनके साथ. घर में काम करने वाले मेड्स हैं उनके साथ अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल मत करें. पर अगर आप मीन होंगे, बुरा होंगे, लाइक आप करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ये क्या है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो या ये है आज का ज्ञान न्यूमरोलॉजी के बारे में. अगर आपको अच्छा लगा मुझे बताना, 8 के बारे में हम और भी एलैबोरेट कर सकते हैं. अगर आप अपना स्पेशल नंबर जानना चाहते हैं तो बताना. वैसे मैं धीरे धीरे 1 to 9 सबके बारे में बात करूंगी. आज हमने 8 से ऐसे रैंडम शुरू कर लिया है. सो या जरूर बताना. आप अपने लिए का फुल्का ला लेते हैं. सो हिम्मत के लंच के लिए मैंने पास्ता बनाया, तो हस्बैंड कह रहे वो वेजिटेबल, स्टीम वेजिटेबल के साथ वही खाएंगे और हिम्मत भी वही खाएगा. करेले के हस्बैंड इतने ज़्यादा फैन भी नहीं है, पर या वो खा भी लेते हैं. दोपहर में उन्होंने खा लिया. ठंडी भी होगी, खा ही नहीं पाई मैं, पर हस्बैंड को खिलाई थी मैंने. करेले थे गवाच भी के बिचो. सो जो हमारा फुलका है उसको हम सुक्का ही लेंगे. एंड आज मैं कुछ भी साथ में नहीं लेने वाली हूँ, ऐदे खावांगे आज फिर असी. सो ये मेरी खूबसूरत प्लेट. आई डोंट नो आपको खूबसूरत लग रही है या नहीं, मुझे तो लग रही है, पर जिन्होंने कसरेले पसंद नहीं ना उसे नहीं लगेगी. खा लेते हैं. इसके बाद ना खाने के लिए मेरे पास बहुत ही डिलिशियस मीठा आम्ब भी है, वो भी खाएंगे. एंड मैं आपको बताना चाहती थी कि बताना नहीं चाहती थी, पूछना चाहती थी. ओके करेले की बाइट लेते हैं. ये जो करेले का कड़वा सा फ्लेवर है, कड़वा या आई डोंट नो जितना बिटर जहाँ, इतना सही है ना, बहुत अच्छा लगता. पता नहीं मुझे बचपन में करेला खाना पसंद था या नहीं, शायद नहीं होगा ना, किसी बच्चे को नहीं होता है. कहने क्या कि कड़वा जहाँ खाई जाते. सो यह बहुत अच्छे बने हैं, ट्राई करना ये रेसिपी, अगर करोगे तो मुझे बताना. अच्छा मैं पूछना ही कि सो हमारे साइड पे ना जब हम दोपहर का लंच करते थे, लाइक करेले होंगे, रोटी होगी, रायता होगा, क्यूकम्बर होगा, स्पेशली उस पर लाइम नींबू का रस होगा एंड उसके साथ मैंगो. हम एक बाइट करेले रोटी सब्जी खाते हैं, एक बाइट आम्ब की खाते हैं. क्या आप लोग ऐसे खाते थे मुझे बताना, क्योंकि हस्बैंड लोग खाने के बाद अम्ब खाते थे, हम लोग हमारी रोटी के साथ भी अम्ब खाते थे. आई डोंट नो ये नमकीन रोटी, ये सारे फ्लेवर एंड अम्ब की मिक्सचर है, बट ये फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार लगता है जब आप एक बाइट करेले दी रोटी दी दही दी बिच अम्ब, 5-6 फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं ना, तो एक अलग ही फ्लेवर बनता है जो कि बहुत मज़ेदार लगता है. आप बताना मुझे अगर आप भी ऐसे खाते थे. ये खाने के बाद हम फिर से अम्ब खाते थे, डिज़र्ट में भी बहुत अम्ब खाते थे. अम्बा बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंगो. आप बताना अगर आप भी खाते थे या नहीं. तो बहुत स्वादिष्ट बने, आराम ना सुकून ना खा लेनी है. और अपने नेबर्स के घर में तांग झांग करते हैं, नहीं कर सकते हैं. एक्चुअली मेरे नेबर्स मेरी वीडियोज़ देखते हैं, हम आपके घर में तांग झांग नहीं करेंगे. मजाक कर लूँ मैं. ओके मैंने कितने दिन पहले सोचा था कि मैं अपनी क्लॉजेट को डिक्लटर करूँगी, अभी तक कर नहीं पाई हूँ. हिम्मत की क्लॉजेट को मैंने ऑलरेडी कर दिया है, मेरी अभी भी वैसी की वैसी है. एंड मैं जल्दी से क्लीन अप करने वाली हूँ. मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगी पर नहीं कर पाऊँगी. सो फ्रिज में जाने वाली चीज़ों को मैंने निकाल दिया है, डिश वॉशर को मैंने ऑलरेडी भर दिया था, थोड़ा सा और क्लीन कर देते हैं, देन वी आर गुड टू गो. एंड हिम्मत का भी डिनर करना बाकी है, हिम्मत लिए तो खाने के लिए
हम सुबह लेमन यूज करते हैं ना, उससे मैं सारा दिन यहीं पर रखती हूँ, जब मैं वॉश करती हूँ स्क्वीज कर देती हूँ इस एरिया में, तो लेमन की खुशबू आती रहती है। और आज जब दिन खत्म हो गया आप ये जाएगा गार्बेज में, ग्रीन गार्बेज में। मैंने लगा कि अन्ना की तो हम लोग सॉइल को सेव करने के लिए कर ही सकते हैं कि अपने घर का वेस्ट सही तरीके से मैनेज करें। अभी हिम्मत की एक प्लेट की वेट है जिसमें वो खाएगा, तभी डिश वॉशर ऑन करें। सो ये था हमारा डिनर रूटीन, मेरा स्पेशली मेरा, क्योंकि बाकी बंदे मिसिंग हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको ये करेले की सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं रेसिपी के लिए, मुझे लगता है कि हम नॉर्थ इंडियन ऑलमोस्ट हर चीज़ का तड़का सिमिलर सा ही लगाते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो या अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर से बताना। और अब मैं हिम्मत की थोड़ी देर वेट करूँगी, अगर वो समय पर आया तो उसे डिनर दूँगी, अदरवाइज हस्बैंड देंगे। मैं जाके अपने रूम को कोजी करने वाली हूँ एंड बुक पढ़ लूँगी थोड़ी देर, उसके बाद मैं सोने वाली हूँ। मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जल्दी उठना पड़ता है ना, हिम्मत जब स्कूल जाता है 6:30 उठ जाती हूँ मैं। एंड हिम्मत की तबीयत थोड़ी अद्दा की है तो वो बहुत अच्छा सोया नहीं रात में, वो सारी रात ड्रामा कर रहा था। सो वो कभी किसी बेड पे जा रहा था, कभी किसी पे, सो बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा था, तो रात बहुत अच्छी नींद नहीं थी हमारी। तो आज हम जल्दी सो जाएंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मेरे फ्यूचर में आने वाली बहुत ही प्यारी अमेजिंग वीडियोज़ को मिस कर देंगे, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। सो अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए जाएंगे तो बेल को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, टिंग टोंग हो जाए कि ओ वाओ ब्यूटीफुल से मार की वीडियो आ गई, अभी देखते हैं ऐसे हो जाए। अगर आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें एंड simarshop.com पे ज़रूर से जाएं, बहुत प्यारे प्रोडक्ट्स हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जल्दी ही, बहुत जल्दी। मैं मिलूंगी आपको कल नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइस सो वेरी मच, बाय ललू। You are not